तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेन यू हैव फेस्ड समथिंग नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे जब आता है हुँ. और नेगेटिव अगर बोलूँ तो क्योंकि एक इंसान के लिए उसके माँ बाप सबसे ऊपर होता है उसके अलावा कुछ नहीं है वही भगवान है वही सब चीज़ है हुँ. और जब ये दो कौड़ी के लोग ये जो फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं भी करते और आके माँ बहन की गालियां देते हैं क्यों क्योंकि ना मज़ा आता है उन्हें लगता है कि ऐसी गाली लिखेंगे अगर हम कमेंट्स में तो अटेंशन जाएगा उसका शिवम का जाएगा ये गाली क्यों लिख दिया है वो रिप्लाई ना कर दे रिप्लाई के लिए ही जस्ट माँ बहन की गाली लिख देता है सही बात खुद अपनी माँ बहन के लिए कुछ इतनी सुनी नहीं सुन सकते और भाई मतलब इन लोगों पर गुस्सा आता है ये नेगेटिव चीज़ लगती है बट वो भी नहीं लगती है और रहे हैं भोंकने दो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो मैंने कमेंट पढ़ना बंद कर दिया है पढ़ता हूँ अच्छे लोगों के पढ़ता हूँ बाकी और नेगेटिविटी ये एक नेगेटिविटी भी नहीं कह सकते थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हो कि पहले खुल के घूम लेते थे कहीं भी फिर लेते थे अब थोड़ा सा बीच बीच में कहीं मास्क लगाना पड़ जाता है भीड़ वाली जगह जब जाते हैं और क्योंकि पंद्रह बीस लोग जो आ रहे हैं आपके पास आपसे मिलने उनमें से दस लोगों के ग्यारह लोगों के इंटेंशन से ही होते हैं आ देते फ्री फंड में यारे वह जा रहा चल मज लेते या कुछ ऐसा करते हैं मैंने एक वीडियो देखी थी अक्षय कुमार की थी या पता नहीं किसकी हाँ अक्षय कुमार की थी वो बता रहे थे कि जब बहुत सारे फैंस आए भीड़ थी उन्होंने ऐसा हाथ मिलाया एक आदमी ने उनसे और उसके हाथ में से ब्लेड था और ऐसे अक्षय कुमार जी के जब ऐसा हाथ मिला तो उनका हाथ कट गया उन्होंने बाद में देखा क्या हो रहा है ऐसे देखा खून निकल रहा है तो ऐसे भी होते हैं के के साथ भी हुआ था हाँ, तो फिर ये फैन थोड़ी है, ये तो घुसपैठिया है <laughs> मारो ऐसे लोगों का यार जो ये चीज कर रहे हैं हमारे साथ जो गालियां दे रहे हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए क्यों अच्छे शब्द बोल रहे हो सो ये एक डार्क साइड था सोशल मीडिया का बट इसके अलावा कोई सोशल मीडिया की वजह से कभी किसी प्रॉब्लम में फंसे हो मैं मेरे दिमाग में सनक रहती है हमेशा एक ही कि जनता के लिए अच्छा सोचना है जनता के लिए अच्छा करना है कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता लगे जिससे मैं इनका कुछ भला कर पाऊँ या जिंदगी चेंज कर पाऊँ एक एनर्जी ड्रिंक थी वीडियो बना दी उसके लिए हाँ। कि भाई ऐसे-ऐसे न्यूज आई थी कि दोस्तों ये पी के इस बंदे के साथ ऐसा हो गया लाल कलर की आती है वो नाम नहीं लेंगे ना आप और मैं आपको भी समझ आ गया होगा बीस तीस रुपए की आती है बंदों का आ गया वो मेरे पे पूरा वो Notice. लीगल नोटिस नहीं हटाओगे तो ये केस कर देंगे वो कर देंगे hmm. मतलब यार ये तो लीगल हमें ऐसे डरा वरा के मतलब हम तो किसी को बता भी नहीं सकते ये चीज सही है या गलत है hmm. तो हम तो मैं हम तो अपनी जनता को भी बताने जा रहा था कि भाई इतनी शुगर है ये चीज है इसे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो ये दिक्कत हो सकती है हम तो खुल के बोल भी नहीं सकते वो लीगल लीगल करके उसने हमें डरा दिया मम्मी पापा से बात शेयर करी भाई कौन पढ़ना चाहता है ऐसे पुलिस के और जेल वेल के चक्कर में ये वो फिर वो वीडियो हटानी पड़ी और इतना दुख हुआ ऐसे वीडियो हटाते हुए की मैं कुछ अच्छा करने जा रहा था समाज के लिए कुछ लोग देखते वो चीज बंद करते पर वो वीडियो हटा दी पर मैंने डर के मारे कर दिया तो यार ये चीज गलत है इतनी पावर हो कि गलत के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो कोई ना बोल पाए क्योंकि गलत गलत है कोई ना रोक पाए ऐसा होना चाहिए तो ये चीज भी नेगेटिव लगी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से दो तीन चीजें समझने को मिलती है यार एक तो अगर आप Literally, literally, ये जो क्रिएटर्स है ना बहुत मेहनत हम लोग करके पहुंचे यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए तो इट्स अ रिक्वेस्ट आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं हम ये आपको फोर्स नहीं कर रहे कि हमें रिस्पेक्ट करो लेकिन एटलीस्ट गलत मत लिखो क्योंकि हमारे भी परिवार है हमारी फैमिली है वो लोग भी देखते हैं और दूसरा क्या है चलो शिवम तो स्ट्रांग है मैं भी आज आठ साल हो गया देख रहा हूँ लेकिन कई जो बच्चे होते हैं ना वो नए नए आते हैं सोशल मीडिया पर दिमाग पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है मैंने देखा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है ये वो अरे उन्हें भी मैं यही कहूंगा इतने सोचने की जरूरत नहीं है